वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट डायरेक्ट डायल इन शो इटर्नल हेल्थ। हमारा नंबर है 01294088152। दोस्तों, हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार है क्योंकि हम सुनते हैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स और उनका आयुर्वेदिक सोल्यूशन हमारे डॉक्टर प्रताप चौहान आपको जरूर देंगे। चलिए जल्दी से फोन करिए डॉक्टर साहब। जी, मैं जानना चाहूंगी कि कफ के बारे में हमने महत्व सुन लिया है जी, पर अब हम चर्चा करना चाहेंगे कि कफ के गुण क्या होते हैं और ये हमारे शरीर में क्या क्या करता है। जी देखो, गुण तो इसके जैसा मैंने बताया पहले भी कि पृथ्वी और जल से बनता है जी, उसकी अधिकता होती है, तो इसलिए जो है थोड़ा हैवीनेस, उसमें गुरुत्व बोलते हैं इसको, भारी है काफी जो है, कठिन मतलब सॉलिड उसमें है, कठोर जिसको बोलते हैं जी। और उसके साथ साथ स्नेह भी है उसमें, स्टेबल है, काफी स्थिर रहता है कफ जो है। जैसे कि वात है वो तो बहुत ही चलने वाली होती है जी, लेकिन कफ उसके विपरीत है, काफी स्थिर रहता है, ज्यादा मूवमेंट इसमें नहीं होती है और इसके साथ साथ ये ठंडा या शीत भी होता है क्योंकि जल है उसके अंदर जी। तो ये गुण जो है कफ के हमारे गुण हैं। इन गुण को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आयुर्वेद में हम हमेशा बताते हैं कि अगर आपको ये जानना है कि कफ किस भोजन से बढ़ेगा तो आपको एक याद रखना चाहिए, दर्शकों को मैं बहुत बारी बताता हूँ, लाइक इंक्रीजेज लाइक। जिस प्रकार के गुण कफ में होंगे उसी प्रकार के गुण वाले भोजन या लाइफस्टाइल कफ को बढ़ाएंगे जी। और अगर कफ को हमें कम करना है शरीर में तो उसके विपरीत गुण वाले हमें जो है भोजन और लाइफस्टाइल अपनाने चाहिए। तो बात वही लाइफस्टाइल पे ही आ जाती है। बिल्कुल, तो जैसे कि हम यहाँ लेते हैं एक फोन कॉल, हमारी सेकंड कॉल वेट कर रही है। हेलो हेलो हेलो, आई थिंक वी लॉस्ट द कॉल। डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे गुणों के बारे में, गुण जो है और उसमें जो गुण कैसे हम इसको जो है इसका प्रैक्टिकल मैं एक वो बता रहा हूँ कि कैसे हम इसको प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं इस चीज को जो मैं बता रहा हूँ कि गुण अगर जो है भोजन में, जैसे कि भोजन अगर सॉलिड है जी, काफी जो है वो हैवी चीज है, जैसे कि आपका कोई भी तली हुई चीज है या पनीर है या आजकल जो चीज जो लोग खाते हैं जी, तो इसमें क्या है कि वो स्थिर है, चिकनाहट है, हैवी भी है और सॉलिड भी है, तो ये इसका मतलब अगर हम चीज खाएंगे तो इससे हमारा कफ बढ़ेगा। अच्छा, इसी प्रकार से कोई चिकनाई वाली चीज जैसे कि कोई आपका पराठा है जी, या जो है डीप फ्राइड कोई भी चीज हो या मिठाई है या दूध की मलाई है जी, तो जो इस प्रकार के जितने भी जो भोजन होंगे जिनमें कफ के समदर्शी, कम कफ के जैसे गुण जिसमें होंगे उससे कफ बढ़ेगा, इसलिए हम गुणों का चर्चा करते हैं जी। क्योंकि गुण आप पूछ रहे हैं तो ये भी बताना चाहिए ना इसका पूछने का या इसको जानने का दर्शकों को क्या फायदा होगा। इसी प्रकार से अगर कफ की वृद्धि होती है जी, कोई कफ के कारण कोई रोग हो जाता है, जैसे कि मान लो कि गले में बलगम, गले में खराश, नाक बंद रहती है, खांसी हो रही है, आपके लंग्स या फेफड़ों में बलगम जो है, जो म्यूकस जिसको बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा भर गया है, तो ये क्या, ये कफ है, हमारे यहाँ इसको कफ का रोग बोलते हैं। तो अगर आपको इसको कम करना है, इसको ठीक करना है, तो आपको यही प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा कि जो कफ के विपरीत गुण वाले भोजन है वो आपको चूज करने पड़ेंगे और जो समान गुण वाले हैं उनको बंद कर देना पड़ेगा 4-5 दिन तक। तो हमारा फोन कॉल लग गया है, मिस किया था। हेलो 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 जी, आपका स्वागत है इटर्नल हेल्थ में। मैडम, ये मेरे को एक हार्ट की प्रॉब्लम थी जी। मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम सुंदर है जी। सुंदर है मेरा नाम। सुंदर सुंदर जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं फरीदाबाद से बात कर रहा हूँ जी। जी बताइए, आपकी क्या परेशानी है? मैडम, मेरे ना ये हार्ट में प्रॉब्लम थी, ब्लॉकेज थी और उसकी वजह से मेरे पैरों में दर्द रहता है। हार्ट में ब्लॉकेज है आपको? हाँ जी। अच्छा, देखिए इसमें हार्ट में ब्लॉकेज जो है इसको आप बहुत सीरियसली लीजिए। हार्ट हमारा एक ऐसा हिस्सा है शरीर का कि इस बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, अगर इसमें कोई खराबी आती है तो फिर जो है बहुत मुश्किल हो जाती है। इसमें हमारे यहाँ आयुर्वेद में हम इसकी चिकित्सा जरूर करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप एक चीज शुरू कर दीजिए तुरंत, अर्जुन की छाल जहाँ भी आपको मिले, अर्जुन की छाल किसी पंसारी से या वैसे कहीं से भी मिलेगी आपको, तो अर्जुन की छाल को थोड़ा कूट लीजिए आप मोटा मोटा और करीब एक चमचा बड़ा, जिसमें के करीब 30 ग्राम के करीब, आधा लीटर पानी में रात को भिगोइए और सुबह उसको छान करके चौथाई रखना है आपको, करीब 100 मिलीलीटर के करीब उसको रखिए, उसको छान करके आप पी लीजिए। अगर आपको थोड़ा टेस्ट में कुछ परेशानी होती है थोड़ा सा शहद मिला लीजिए उसमें।
ज्यादा शहद नहीं मिलाना, आधा चम्मच काफी है। तो ये आप जो है रोज सेवन करेंगे, और क्योंकि आपको हार्ट की ब्लॉकेज आपकी आई है, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि इसमें आप जरूर किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक, जो आपके अड़ोस पड़ोस में कोई अच्छे चिकित्सक हैं, उनसे मिलकर के और तुरंत इसकी चिकित्सा शुरू करिए। हमारे यहाँ आयुर्वेद में काफी सारी हम ऐसी औषधियां बनाते हैं जो हमारे माइन्यूट चैनल्स में जाकर के जो है उसको साफ करती हैं। हम इसको आम ही मानते हैं, अपने प्रोग्राम में हम बताते रहते हैं कि जब आम जो है वो ब्लड में मिल जाता है तो उसको कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है मॉडर्न मेडिसिन में, और यही जो कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स ये जाकर के हार्ट में कॉरोनरी आर्टरीज को ब्लॉक कर देते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो है काफी औषधियाँ हैं इस प्रकार की, आयुर्वेदिक औषधियाँ, वो आपको चिकित्सक की देखरेख में ही लेनी पड़ेंगी, उनको मैं ऐसे नहीं बताऊंगा आपको कि आप कहीं से खरीद के खाएं। तो आप इसका जरूर जो है किसी चिकित्सक से इलाज कराइए, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको जरूर लाभ मिलेगा इसमें। तो डॉक्टर साहब कितने टाइम तक सेवन करना है इसका? इसमें कम से कम देखिए इनको 8-10 महीने तो दवाई जरूर खानी पड़ेगी, उसके बाद फिर ये चेकअप करा के देख सकते हैं कि पहले से और उसमें फर्क पड़ी। इसके साथ साथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे यहाँ आहार विहार, जिसको के पथ्य सेवन कहते हैं, परहेज कहते हैं जी, तो वो भी बहुत आवश्यक है। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि चिकनाई वाली चीजें या कार्बोहाइड्रेट जिसमें कि बहुत मीठा या शक्कर या इस तरह की चीजों को जो है डीप फ्राइड जो हमारे खाने होते हैं, कफ वर्धक जो हम अभी बात कर रहे हैं कफ की, सीधी सी बात है जो अभी हमने जो गुण बताए कि जिसमें अधिक स्निग्धता हो, मिठाई हो, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, दूध से बनी चीजें हैं, घी और मक्खन, इनका बहुत ज्यादा सेवन नहीं करना है, थोड़ा बहुत मात्रा में ले सकते हैं तो इनको बिल्कुल। और दूसरा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि रेगुलर जो है बॉडी की क्लीनिंग होती रहनी चाहिए, आपका जो है पेट साफ रहना चाहिए, बाकी जितने भी हमारे मल हैं और उनको हमें रेगुलरली जो है क्लीन करना चाहिए, और व्यायाम जरूर करना चाहिए। व्यायाम अपनी शक्ति के अनुसार, बहुत ज्यादा इतना नहीं करना है कि आप अपने हार्ट पर ज्यादा प्रेशर डालें। एक इसमें सबसे अच्छा रहता है कि आप सुबह नित्य प्रति सैर के लिए जाएं और सैर करें, थोड़ी इसमें ब्रिस्क वॉकिंग भी कर सकते हैं। तो ये चीजें अगर आप करेंगे तो निश्चित ही आपको जो है इसमें लाभ मिलेगा जी। सुंदर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। थैंक यू मैडम। थैंक यू डॉक्टर साहब। हमारी चर्चा कंटिन्यू करते हैं जी। कफ के बारे में आप बता रहे थे, कफ के गुण मैंने बताए और गुणों का किस प्रकार से हमें जो है अपने भोजन और लाइफस्टाइल में भी इसका होता है कि अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो वो कफ का एक गुण होता है स्थिर, और जैसे वात का गुण होता है चलना, मूवमेंट। तो इसलिए अगर हम ज्यादा मूवमेंट नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे दिन भर, कई लोग ऐसे होते हैं कि वो ना एक्सरसाइज करते हैं ना पैदल चलते हैं बिल्कुल, अगर कहीं भी जाना है तो गाड़ी में ही जाना है, ऑफिस में भी बैठे रहेंगे, तो दिन भर सेडेंटरी जब रहेंगे आप, स्थिर रहेंगे, तो वही लाइक इंक्रीजेज लाइक, उससे भी कफ बढ़ता है। तो इसलिए जो है लाइफ स्टाइल में हमारा कुछ ना कुछ मूवमेंट होना चाहिए, उसके विपरीत होना चाहिए जी। तो इस प्रकार से जो गुण है उनका प्रयोग हम भोजन और लाइफ स्टाइल के लिए अक्सर करते हैं। दूसरा प्रश्न आपने किया कि इसका काम क्या है। डॉक्टर साहब इससे पहले कि हम दूसरा प्रश्न आगे लें जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे कि कफ के कार्य हमारी बॉडी में क्या क्या काम करता है, ब्रेक के बाद। दोस्तों अब समय आ गया है एक छोटे से ब्रेक का, फिर ब्रेक के बाद हम जारी रखेंगे ये सारी की सारी डिस्कशन। हमारा नंबर है 01294088152। आपके हर प्रॉब्लम का आयुर्वेदिक सोल्यूशन डॉक्टर चौहान आपको जरूर देंगे ब्रेक के बाद। लेट्स मीट आफ्टर द ब्रेक।